बकुलिया ग्राम में निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता में कमी को लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी भी मौके पर पहुंचे। भुवन कापड़ी ने कहा कि ग्रामीणों की जागरूकता के चलते सड़क में लीपापोती नहीं हो पाई, अब यहां दोबारा सड़क बनाने का काम किया जाएगा। अक्सर ठेकेदार, अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क निर्माण के नाम पर बड़े बड़े घोटाले कर देते हैं, पर अगर ग्रामीण जागरूक हो तो इन सब घोटालों को रोका जा सकता है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र की बकुलिया ग्राम सभा में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता से खिलवाड़ हो रहा था। सड़क में 20 मिलीमीटर डामर डाला जाना है, पर यहां केवल 5 से 10 मिलीमीटर डामर ही डाला जा रहा है, जो कि मानक से बहुत कम है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी और पूर्व प्रधान पप्पू भी मौके पर पहुंचे। बीच में तो पड़ी नहीं रहा, 5 mm भी, तो हमने विधायक जी को शिकायत किया। हाँ, गाँव वाले भी सभी लोग विधायक जी बुलाए, विधायक जी की देख रेख में अब दोबारा फिर रोड बन रहा है। अब जहाँ तक है ये कि अब सही रोड बनेगा, ये गाँव वालों की बड़ी शिकायत है कि यहाँ पे रोड खराब बन रहा है, थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है तो किनारे में पड़ रहा है, बीच में है नहीं, बीच में है ही नहीं है, बीच में तो 5 mm में से 6 mm या 10 mm तक। ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि कई जगह से सड़क उखड़ने की शिकायत मिली, ग्रामीणों की जागरूकता के चलते सड़क में लीपापोती नहीं हो पाई, अब यहां दोबारा सड़क का काम किया जाएगा। डामरीकरण हो रहा था, पहले भी मैं आया था, 15 साल बाद ये रोड बन रहा है, बड़े लंबे समय के बाद, बड़े प्रयासों से। तो इसमें बीच बीच में जो है 20 mm माल नहीं पड़ रहा, और ग्रामीणों ने शिकायत करी, बीच में उखड़ भी रहा था। तो मैंने जो यहाँ के जेई है उनको ही बुलाया, ठेकेदार को ही बुलाया, हमारे ग्रामीण सब हैं, यहाँ के प्रधान हैं, सब लोग देख रहे हैं, और दोबारा जहाँ जहाँ नहीं बनाया वो दोबारा बना रहे हैं। और गांव वालों से भी मेरा ये कहना है कि सब लोग जो है जागरूक रहें, जब रोड बनती है तो जिम्मेदारी गांव के लोगों की भी होती है कि वो पुख्ता बने, अच्छी बने। और आपकी ये जागरूकता यह है कि जो यहाँ पर लीपापोती नहीं हो पाई है, अभी सारे अधिकारी आए हुए हैं, सबसे कहा है, और दोबारा से रोड बन रही है, और प्रधान जी और ग्रामीण की देख रेख में ये आगे को बनी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।